तो गाइस फाइनली इस वीडियो में हम जेसन बैरनडॉर्फ, लुंगी नगीडी एंड ड्वेन ब्रावो का कंपैरिजन करने वाले हैं। देखो आप में से जो भी इस चैनल पे एक्टिव होगा उसको पता होगा कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, लेकिन अगर आप इस वीडियो के थ्रू इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। तो देखो जेसन बैरनडॉर्फ, लुंगी नगीडी एंड ड्वेन ब्रावो का कंपैरिजन करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में से फर्स्ट प्रेफरेंस ओवरसीज पेसर कौन होगा चेन्नई सुपर किंग्स का, या फिर आप कह लो इन तीनों में से किसके सबसे ज्यादा चांसेस होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 में होने का, ये तो मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ साथ वीडियो के एंड में हम तीनों प्लेयर्स को रैंक भी करेंगे, जिसके जितने ज्यादा चांसेस होंगे उसके बेसिस पे 1, 2, 3 इन तीनों प्लेयर्स को हम रैंक करेंगे। अभी हमें करना क्यों पड़ रहा है? बिकॉज फाफ डुप्लेसिस। देखो फाफ डुप्लेसिस अभी तक 3 मैचेस खेले हैं एंड लास्ट सीजन के हाईएस्ट रन स्कोरर तो थे ही, फर्स्ट मैच में कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन सेकंड मैच में अच्छा नॉक खेला, थर्ड मैच में एक तेज तराक नॉक खेला, तो फाफ डुप्लेसिस कहीं नहीं जाने वाले हैं। लास्ट सीजन भी इनका अच्छा गया था तो एमएस धोनी इनको तो बाहर नहीं करेंगे। सैम करन पिछले साल के आप कह सकते हो सीएसके के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे, बैट बॉल दोनों से बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इस साल की बात करें तो फर्स्ट मैच के हीरो आप कह सकते हो बिकॉज फिनिशिंग टच इन्होंने ही दिया था चेन्नई सुपर किंग्स को, एंड थर्ड मैच के भी हीरो कह सकते हो बिकॉज वो जो 2 इनिशियल विकेट्स इन्होंने लिया था मनन वोरा एंड संजू सैमसन का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो सैम करन भी कहीं नहीं जाने वाले। इसके बाद जो तीसरा ओवरसीज प्लेयर है मोइन अली, ये भी कहीं नहीं जाने वाला है। इस साल के आप कह सकते हो ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है सुपर किंग्स के, अभी तक के बैट बॉल दोनों से अभी तक कमाल का परफॉर्मेंस किया है। तो ये 3 ओवरसीज प्लेयर्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, इनका 100% कंफर्म है आप कह सकते हो कि ये हमें सीएसके के प्लेइंग 11 में देखने को मिलेंगे। अब हम सब जानते हैं एक टीम मैक्सिमम 4 ओवरसीज प्लेयर को खिला सकता है एक मैच में, 3 के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1 ओवरसीज स्लॉट बचा। अब क्वेश्चन ये है कि इस 1 ओवरसीज स्लॉट पे कौन खेलेगा, जेसन बैरनडॉर्फ, लुंगी नगीडी या फिर ड्वेन ब्रावो? तो इसी के ऊपर आप कह सकते हो ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। गाइस कल आपको गेम जी ऐप के बारे में बताया था, गेम जी ऐप में एक बहुत ही कमाल का फीचर है, कभी भी अगर आपको फैंटेसी गेम में लॉस हुआ है तो आप उसे गेम जी में रिकवर कर सकते हैं। ये बिल्कुल नए जमाने का फैंटेसी ऐप है। मैच शुरू होने के बाद आप कहीं भी टीम नहीं बना सकते हो, पर गेम जी पे आप फर्स्ट इनिंग्स देखने के बाद सेकंड इनिंग्स की टीम बना सकते हैं, और तो और 5-5 ओवर की लाइव फैंटेसी भी खेल सकते हैं। मतलब मैच देखते देखते आप पैसे जीत सकते हो, 4 बार पैसे जीतने का मौका तो आपको गेम जी पे ही मिलेगा। बड़े सही ऑफर्स है इस गेम में, ₹50 मिलते हैं साइन अप करते टाइम, 500 के एड कैश पे आपको 1000 मिलेगा अगर आप YT1000 कोड यूज करते हो तो। लेकिन हाँ, ऐप डाउनलोड करते समय मेरा रेफरल कोड यूज करना ना भूलना, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिकॉज इससे मिलेगा आपको एक्स्ट्रा ऑफर्स टाइम टू टाइम। दिस गेम इंक्लूड्स एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद ड्वेन ब्रावो, जो कि अभी सीएसके के आप कह सकते हो फर्स्ट प्रेफरेंस ओवरसीज प्लेयर है, बिकॉज जेसन बैरनडॉर्फ अवेलेबल नहीं है, नगीडी अवेलेबल है फिर भी उनको नहीं खिलाया जा रहा है। तो ड्वेन ब्रावो के बारे में बात करें तो ड्वेन ब्रावो ने इस सीजन में अभी तक 3 मैचेस खेले हैं, सीएसके ने अभी 3 ही खेला है, तो सभी सीएसके के मैचेस में ये खेले हैं, 9 ओवर कराए हैं और 66 रन दिया है और 3 विकेट्स लिया है। मतलब गेंदबाजी तो आप देखो बहुत अच्छी है, 7.33 के करीब की इकोनॉमी होगी, तो गेंदबाजी बहुत अच्छी की है। बल्लेबाजी की बात करें तो तीसरे मैच में बल्लेबाजी करने का मौका मिला था और 8 बॉल पे 20 रन स्कोर कर दिया था। ये आप कह सकते हो ब्रावो का एक प्लस पॉइंट है जो अदर 2 के पास नहीं है, कि ये बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो अभी तक तो अच्छा किया है, लेकिन फिर भी ड्वेन ब्रावो के पास उतना ज्यादा पेस नहीं है। एंड अब देखो ये मैंने एक वीडियो में बोल दिया था कि मुझे लगता है कि ब्रावो इतने बड़े विकेट टेकर नहीं है, तो कुछ लोगों को बुरा लग गया था। डेफिनेटली बहुत कमाल के गेंदबाज है, T20 में सबसे ज्यादा विकेट्स इनके नाम है, अगर आप सभी लीग्स को देखो तो ये हर जगह जाके खेलते हैं, लेकिन पुराने वाले ब्रावो की बात कुछ और थी। अभी वाला ब्रावो अगर आप देखो तो उसके पास ज्यादा पेस नहीं है, एंड ब्रावो का आप देखना एक ही बॉल करते हैं आजकल, तो 1 ओवर में 6 बॉल फेंकते हैं, सब बॉल धीरे फेंकेंगे, मतलब बहुत धीरे धीरे बॉल फेंकते हैं ब्रावो। पहले उनके पास पेस भी था, बाउंसर भी था, यॉर्कर भी था, अभी भी यॉर्कर फेंक सकते हैं, लेकिन वो धीमा यॉर्कर, पहले तेज यॉर्कर, धीमा यॉर्कर सब कुछ था इनके पास, लेकिन अभी आप कह सकते हो 6 बॉल का 6 बॉल ये धीरे फेंकते हैं, जिनसे इनको फायदा भी मिलता है, बिकॉज पूरा जो पावर होता है वो बल्लेबाज को जनरेट करना पड़ता है, जो बहुत बार बल्लेबाज नहीं कर पाता है। तो अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, बट आई एम श्योर एक टाइम पे ड्वेन ब्रावो प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, सभी टीम को पता है कि इस गेंदबाज के पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये धीरे धीरे फेंक सकता है, तो फिर बल्लेबाज आप कह सकते हो इनको हैंडल इजिली कर सकते हैं। तो एक वेरिएशन के साथ मुझे नहीं लगता है आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो ये मुझे ड्वेन ब्रावो की एक वीकनेस लगती है।
अब देखो डेफिनेटली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल गेंदबाज है, पर अब मैं करंट की बात कर रहा हूँ तो कोई ऑफेंड मत होना, जो मुझे लगा वो मैंने आपके सामने रख दिया। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी को लेकर फेक बातें बोलूंगा कि ये माने वो, जो भी मुझे लगता है वो मैं बोल रहा हूँ। देन बात करते हैं लुंगी नगेडी के बारे में। तो लुंगी नगेडी 140 के करीब गेंदबाजी कर सकते हैं, 140 के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन आईपीएल में मैंने देखा है कोई भी मतलब गेंदबाज ना, जैसे रबाडा हो गए, आर्चर हो गए, ये कुछ गेंदबाज है जो अपना पूरा आप कह सकते हो ताकत लगाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये नहीं लगाते हैं, लेकिन लुंगी नगेडी इससे भी तेज फेंक सकते हैं। मैंने देखा है वो 130-140 के बीच में ही फेंकते हैं, लेकिन ये उससे ऊपर भी फेंक सकते हैं। तो 140 के ऊपर मतलब फेंक सकते हैं आप कह सकते हो। करंट फॉर्म की बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैचेस में मैंने देखा तो इनका कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था नहीं, इनफैक्ट बहुत खराब परफॉर्मेंस था। तो करंट फॉर्म बहुत अच्छा है नहीं, अभी तक सीएसके के लिए मैच खेले नहीं है, अवेलेबल हो चुके हैं लेकिन फिर भी मौका नहीं दिया गया है। एंड क्योंकि लास्ट मैच में बराबर ने बहुत अच्छा किया है तो लगता नहीं है नेक्स्ट मैच में भी मौका मिलेगा। इनके बारे में ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं, अभी ये करंट फॉर्म में भी नहीं है। एंड बस एक बात है कि ये 140 के ऊपर फेंक सकते हैं, जो इनके लिए आप कह सकते हो एक प्लस पॉइंट होगा, उसी के कारण इनको मौका मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट जो आखिरी हमारा प्लेयर है वो है जेसन बैरनडॉर्फ। करंट फॉर्म की बात करें तो बिग बैश लीग में लास्ट टाइम मैंने इनको देखा था, 16 मैचेस वहां पे खेले थे, 16 विकेट लिया था। एंड इकोनॉमी की बात करें तो वो 7.03 की थी, बहुत अच्छी है। अब इनके पास क्या है, 140 के करीब ये भी गेंदबाजी कर सकते हैं, 140 के ऊपर भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ ये स्विंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास गति है उसके साथ साथ आप स्विंग भी कर सकते हो, देन आप बहुत घातक साबित हो सकते हो। तो ये एक कमाल का चीज है जेसन बैरनडॉर्फ के पास। अभी बात करें तो मैंने आप सभी को बता दिया था कि 25 वाला जो मैच है बैंगलोर के अगेंस्ट उसमें ये अवेलेबल नहीं होंगे, उसके बाद मतलब वानखेड़े में जितने भी मैचेस होने वाला है सीएसके का उसमें ये नहीं खेलेंगे। जब सीएसके फिरोजशाह कोटला में चला जाएगा वहां पर ये अवेलेबल होंगे। गेंदबाज बहुत अच्छा है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट प्रेफरेंस ओवरसीज पेसर कौन होगा, यानी ओवरसीज पेसर। सो अकॉर्डिंग टू मी ये प्लेयर जेसन बैरनडॉर्फ होगा, बिकॉज सीएसके हम देखते नहीं है ज़्यादा कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया तो सीएसके उसको रिप्लेस करता है, उसका रिप्लेसमेंट ढूंढता है। लाइक लास्ट टाइम जब रायना चले गए थे, हरभजन सिंह चले गए थे, तो सीएसके ने किसी को भी नहीं बुलाया था, लेकिन इस सीजन सीएसके ने बैरनडॉर्फ को बुलाया है। उसका रीज़न आप सभी समझ सकते हो, कुछ तो खास होगा बैरनडॉर्फ में, उनका करेंट फॉर्म अच्छा है और सीएसके को लगा है कि हम इस प्लेयर का यूज कर सकते हैं, इसीलिए सीएसके ने जेसन बैरनडॉर्फ को पिक किया है एज जॉस हेजलवुड रिप्लेसमेंट। एंड मेरे अकॉर्डिंग इनके पास सब कुछ है जो एक गेंदबाज के पास होना चाहिए, जो एक विकेट टेकर के पास होना चाहिए। अगर आप इनको दीपक चार के साथ लगा दो स्टार्टिंग के 4 ओवर, अगर आप 2 ओवर दीपक चार, 2 बैरनडॉर्फ से फेंकवाओ, तो मतलब विकेट्स आपको इनिशियल विकेट्स इजीली मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेसन बैरनडॉर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस ओवरसीज पेसर होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के, और इन जब भी ये अवेलेबल हो जाते हैं फोर्स और मेरे अकॉर्डिंग तो चेन्नई सुपर किंग्स इनको मौका देगा। इसके बारे में अगर मैं रैंक करूं तो डेफिनेटली नंबर 1 पे जेसन बैरनडॉर्फ, नंबर 2 पर अकॉर्डिंग टू मी ड्वेन ब्रावो। पहले मैं नगेडी को पिक करता लेकिन क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने अच्छा किया है, गेंदबाजी से भी वो अच्छा कर रहे हैं, मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा करेंगे, लेकिन आप कह सकते हो इस बार वो जो यूज कर रहे हैं ना, हर बॉल धीरे फेंक रहे हैं, उस पर बल्लेबाज इजिली नहीं बना पा रहा है रन, तो ब्रावो ही खेलेंगे। एंड जैसा मैंने आपको बताया बल्लेबाजी भी उनका प्लस पॉइंट है, बल्लेबाजी भी प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली ब्रावो का नाम यहाँ पे नंबर 2 पे आता है। बचा कौन, लुंगी नगेडी, तो डेफिनेटली नंबर 3 पर लुंगी नगेडी का नाम आता है। अब देखो चेन्नई को 5 मैचेस वानखेड़े में, 4 मैचेस फिरोजशाह कोटला, 3 मैचेस एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, 2 मैचेस ईडन गार्डन्स में खेलना है। पिचेस के अकॉर्डिंग चेंजेस हो सकते हैं, पहले 5 मैचेस में तो अब मुझे फोर्स और लगता है ब्रावो ही खेलेंगे, बिकॉज जेसन बैरनडॉर्फ पहले 5 मैच में अवेलेबल नहीं है और लगता नहीं है लुंगी नगेडी को अब महेंद्र सिंह धोनी ड्वेन ब्रावो से ऊपर प्रेफर करने वाले हैं। उसके बाद के जो 4 मैचेस है फिरोजशाह कोटला में, वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं जेसन बैरनडॉर्फ एंड आगे के भी मैचेस में अगर वो अच्छा करते हैं तो ये कंपेरिजन वीडियो था इन तीनों प्लेयर्स का, जो मैं बहुत टाइम से बनाने का सोच रहा था। एंड बहुत कमेंट्स भी आ रहे थे जब मैंने अनाउंस किया था कि मैं ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके बाद से अभी आप कमेंट्स में लिखकर बताओ कि आपके अकॉर्डिंग चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट प्रेफरेंस ओवरसीज पेसर कौन होना चाहिए, जेसन बैरनडॉर्फ, लुंगी नगेडी या फिर ड्वेन ब्रावो। अभी के लिए अगर आपके पास कोई और ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ना ही सिर्फ सीएसके पे, किसी भी टीम पे, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। और अभी के लिए बस इतना ही, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसा लगे आपको, चलिए लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।